डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज नीट 2018 का पेपर हुआ है। इस पेपर में फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पेपर में 45 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स थे, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कुछ में कैलकुलेशंस ज़्यादा होने की वजह से पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया था। अब हम पेपर में 11th और 12th के पोर्शन से कितना परसेंटेज वेटेज था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ट में आप देख रहे हैं 51% 12th का पोर्शन है, 49% 11th का पोर्शन है। अगर क्वेश्चन वाइज देखें 45 में से 22 क्वेश्चन 11th के थे और 23 12th के थे। अगर हम टॉपिक वाइज चलें 11th के टॉपिक्स में से मैकेनिक्स का वेटेज काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें से 14 क्वेश्चन आए थे। थर्मल फिजिक्स में से 5 क्वेश्चन आए थे। SHM एंड वेव से 3 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही 12th के पोर्शन में देखें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 11 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 7 क्वेश्चन आए थे। अगर इसको हम परसेंटेज वाइज देखें तो 31% मैकेनिक्स है, 24% इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इसी तरह सारे परसेंटेज आप देख सकते हैं ग्राफ में। अब हम चर्चा करते हैं पेपर में इजी, मीडियम और टफ क्वेश्चंस कितने कितने आए थे। तो पूरे एनालिसिस से हमें ये आइडिया लगा कि 42% क्वेश्चन इजी थे, 42% मीडियम थे एंड 16% डिफ़िकल्ट थे। पिछले सालों से अगर कंपैरिजन करें तो इजी क्वेश्चंस थोड़े इंक्रीज हुए हैं, लेकिन पेपर थोड़ा सा लेंदी लेकिन इजी था।